الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم صلوات پڑھیں محمد والا سورہ مبارکہ المائدہ آیت نمبر 35 جس کو آیت وسیلہ کا نام بھی دیا جاتا ہے تو اس آیت کریمہ کو آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کل ہم نے اس کا ایک حصہ بیان کیا تھا ایک دفعہ ہم اس کے ترجمے کو دوبارہ تکرار کر لیں اور پھر جہاں پہ کل بات تمام کی تھی آج انشاءاللہ وہیں سے آگے بڑھائیں گے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 کا ترجمہ اس طرح سے ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو وابتغوا الیہ الوسیلہ اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو وجاہدوا فی سبیلہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو کوششیں کرو لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ فلاح عربی زبان میں اس کو ہم اردو میں معنی کرتے ہیں کامیابی کا تاکہ تم فلاح پاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس آیت کریمہ کے اندر ہے کیا اس کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ تمام انسانوں سے نہیں بلکہ ان سے کہ جو ایمان لائے ہیں خطاب فرما رہا ہے اور ایمان والوں سے فرما رہا ہے کہ تم اگر اس زندگی کے سفر میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو یہ مت سمجھنا کہ ہن تسی مومن بن گئے ہو تے بس کامیاب بھی ہو گئے ہو یہ مت سمجھنا کہ تم مومن بن گئے ہو تو بس اب کامیاب بھی ہو چکے ہو بلکہ ایمان کے دائرے میں داخل ہونے سے تمہارا رخ منزل کی طرف سیدھا ہو گیا ہے ابھی منزل پہ پہنچے نہیں ہو رخ سیدھا ہوا ہے آپ دیکھو نا یہاں سے مثال کے طور پہ ملتان جانا ہو تو ملتان کی ایک طرف ہے کسی کا منہ ہی دوسری طرف کوئی لگا دے تو وہ جتنا چلے گا چاہے سمجھتا رہے ملتان جا رہا ہوں چلا کہیں اور جائے گا یا شاید آپ نے وہ سنا ہوگا کہ ایک بندہ مثال کے طور پر بہاول پور سے ٹرین میں بیٹھا تے جانا اس
मुल्तान आई तो गलत ट्रेन च बह गया जी कराची जाती पी आई। रात का टाइम आई अंदर वड़िया तो उत्ते बर्थ चढ़ के सह गया। काफ़ी देर बाद जल्द अख खुली तो जोड़ा थले बंदा बैठा ही उन्होंने सलाम की तो उसकी आनंद भाई जी ठीक हो सके ठीक हो पुछदा है किधे जा रहे हो उस दस्या मैं कराची जा रहा इस जाना ही मुल्तान। हुण बजाए कि इनू ये गल समझ आवे कि मैं गलत ट्रेन ते बह गया उन्हूं आंदा वाह साइंस दियां तरक्कियां साइंस दियां तरक्कियां वेखो भाई एक ही डब्बे च जिहड़े उत्ते बैठे नूं मुल्तान पे जांदे ने जिहड़े थले बैठे नूं कराची पे जांदे ने। तवज्जो फरमा रहे तो अगर मंजिल की तरफ रुख सीधा ना हो तो जितना टाइम गुजरेगा वो ज़ाया होगा और फासला बढ़ता जाएगा मंजिल से। जब बंदा ईमान लाता है तो उसका रुख सीधा हो जाता है। चूँकि मोमिन कौन होता है? मोमिन वो होता है जो इस बात को मान लेता है कि अब से पहले जिधर भी मैं जा रहा था अब के बाद उधर ही जाऊंगा जिधर अल्लाह और अल्लाह का रसूल बताएगा। ये मोमिन का माना समझे ठीक है। मोमिन का माना क्या है कि अब मैं इस जिंदगी के सफर में किसी दूसरे को रहनुमा नहीं बनाऊंगा अल्लाह और रसूल मेरे रहनुमा होंगे। तो वो जिधर मुझे कहेंगे रुख करना है उधर रुख करूंगा तो ये मेरा रुख सीधा हो गया। लेकिन रुख सीधा हो जाए मसलन यहाँ से मैं मुंह करूं मुल्तान की तरफ तो मैं समझा कि मुल्तान अपड़ भी गया पहुंच भी गया तो कहेंगे साई थोड़ा मुंह मुल्तान नाल होया हाली खले तो तुसी चाक नौरंग चाहे छो। अगर मुल्तान पहुंचना है तो चलना पड़ेगा मेहनत करनी पड़ेगी। तवज्जो फरमा रहे हैं तो ए ईमान वालो रुख तुम्हारा सीधा हो गया अभी मंजिल पे नहीं पहुंचे फलाह पे नहीं पहुंचे। ये सफ़र कामयाबी से तय करने के लिए अल्लाह तुम्हें तीन चीज़ें बता रहा है जिनमें से पहली चीज़ तुम्हारे लिए इस सफ़र का ज़ादे राह क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ तकवा होना चाहिए। तो कल तकवा की लंबी सी दास्तान मैंने आपको सुनाई थी। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने हम सबको तौफीक दी होगी कि हमने कल स्कूल ऑफ तकवा में दाखिला ले लिया होगा। तो जिस कोई नहीं लिया वो सोचे भई रोला की है ना कोई पैसे लगते पैन ना कोई सिफारिश करानी है सिर्फ एक इरादा ही करना है कि या अल्लाह हुण मैं भेड़े काम ना कर सक। तवज्जो फरमा रहे हैं तो जेनू अल्लाह ते रसूल ते अहले बैत ढेर प्यारे नू वो अपने अल छेक ले सन ते जेनू भेड़े काम ढेर प्यारे नू वो अपने अल छेक ले सन। ये मर्जी साड़ी असी केड़े पासे चिकीना ये कदी ना सोचा है कि छेक सानू भेड़े काम लवन तो दाखला साड़ा तकवा दे सकूल होया पे हो ऐसा नहीं होता। तवज्जो फरमा रहे हैं तो अल्लाह ये इरादा करने की मुझे आपको सबको तौफीक अता फरमाए ताकि हम उन तालिब इल्मों में शामिल हो जाएं जिन्हें मुत्तकीन कहा जाता है और जिनका इमाम इमामुल मुत्तकीन है। अब पहली सीढ़ी हम चढ़ गए पहला कदम हमने उठा लिया असा क्या या अल्लाह जिमें तेरा हुक्म असी इरादा कर लिया कि असी तेरी नाफरमानी नहीं करनी हुण अगली रहनुमाई फरमाओ अगला काम असा की करना। तवज्जो से खूब तवज्जो से सुने ताकि बात सही समझ आए। अल्लाह ने फरमाया कि तकवा जब तुमने ले लिया सामान सफ़र तुमने ले लिया अब तुम्हें कुछ वसीले चाहिए। तुम्हारी मंजिल क्या है? अल्लाह का कुर्ब। मंजिल क्या है? अल्लाह का कुर्ब।
जो जितनी तवज्जो से सुनते जाएंगे बातें ज्यादा हैं, फिर उनको याद रहेंगे। ये अल्लाह का कुर्ब वही है जो आप जो नमाज की नियत करते हो, क्या कहते हो, कुर्बतन, अल्लाह से करीब होने के लिए नमाज पढ़ रहा हूं। कोई इबादत इबादत हो ही नहीं सकती जब तक उसकी नीयत अल्लाह के करीब होने की ना हो कि ये मैं काम इसलिए कर रहा हूं ताकि अपने खालिक का कुर्ब हासिल करूं। थोड़ा सा और बात को खोलूं अगर आप परेशान ना हो तो, दुनिया का हर वो काम जिसे आप इबादत समझ कर करो, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत हो सकती है? कोई करदा है तो हाथ खिला रहे जरा, अल्लाह के सिवा किसी और दी कोई इबादत करदा है? कोई नहीं करता ना, जो करता है वो मुशरिक है। ऐसा मुशरिक कोई अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करे, दीन इस्लाम से खारिज हो जाता है, भावे कोई शिया होवे तो भावे कोई सुन्नी होवे। तो इबादत के लायक सिर्फ एक जात है और वो कौन है? अल्लाह। तो आप जो भी काम इबादत समझ कर करोगे वो खालिसतन किसके लिए होना चाहिए? अल्लाह के लिए होना चाहिए। ए मैं उन सारियां नीतां सिद्धियां कराऊंगा, नीयतां असी आने नीतां, ठीक है ना, नीतां सिद्धियां कराऊंगा। जो जो काम आप इबादत समझ कर करते हो, अगर कई गड़बड़ होती रही है तो पता नहीं था तो छोड़ दो, आज तो बाद जेड़ा काम भी इबादत समझ के करो उनके विच नियत की करनी होंदी है, कुर्बतन। तुसी जाओ इथू करबला, अल्लाह नसीब करे सारे नु बार बार, तुसी करबला जाओ, मौला हुसैन की जियारत ते जांदे हो, होर इमामा की जियारत ते जांदे हो, उत्थे जरी दे नाल खलोंदे हो, दो रकात नमाज जियारत पढ़दे हो, कुर्बतन इमाम दा नाम लैंदे हो या अल्लाह दा? गल समझ आती पी? क्योंकि इबादत किसी इमाम की नहीं होती, इबादत किसकी होती है? अल्लाह की होती है। लिहाजा तुम मौला हुसैन की जरी दे कोल खले हो, रश का जमाना कोई नहीं, मोढ़ा भी तुसा नाल लाया होया, मुड़ भी तुसी नीयत की करनी है, दो रकअत नमाज जियारत पढ़ता हूं कुर्बतन इल्लाह। गल समझो, जेड़े काम विचू अल्लाह निकलिया समझ लो काम भी दीन दा काम ना रह गया, ठीक है ना। बस हुण करबला तू उठो उठो वापस आ जाओ, चक नौरंग शाह घरों निकले हो जनाब मजलिस सुनन वास्ते, की नियत करो? मैं मजलिस सुनने जा रहा हूं कुर्बतन। जे ए नीयत होवे तो इबादत है, जे ए नीयत ना होवे तो इबादत कोई नहीं। या कोई खलो के आखे नहीं मैं नीयत और करदा मुड़ भी इबादत करदा, इबादत अल्लाह तो सिवा किसे दी नहीं होंदी, ना किसे रसूल दी ना किसे इमाम दी। और अगर कोई करे तो वो सबसे पहले रसूल और इमाम की मुखालफत कर रहा है, क्योंकि उन्हें यह नहीं आख्या साड़ी करनी, उन्हें आख्या अल्लाह दी करनी, ठीक है ना। आपकी तौहीद को जरा छंड फूक कर रहा हूं, साफ सुथरा कर रहा हूं, अगर कोई रोला हो तो बीच में से निकल जाए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, बस। असल में जिस जात का कुर्ब दरकार है, ये जो बात आपको बता रहा हूं इसी आयत की वजाहत कर रहा हूं, अभी मजीद आपको पता चल जाएगा। क्या फरमाया? तकवा के बाद फरमाया जब तकवा तुमने अपने साथ रख लिया, अब तुम्हें कुर्ब इलाही तलाश करना है
और उसके लिए तुम अकेले काफी नहीं हो, तुम्हें अल्लाह के कुर्ब का वसीला चाहिए। वसीला किसे कहते हैं? पहले इस लफ्ज का मतलब समझ लो। कोई भी चीज, कोई भी बंदा जो आपको आपकी मंजिल तक, आपके मकसद तक पहुंचने में मददगार हो, अरबी में उस चीज को या उस शख्स को वसीला कहते हैं। वसीले का माना समझ आ गया? तो मिसाल के तौर पे कल मैं अपने गांव से चला और मुझे अली मोहसिन भाई ने फोन किया। भाई तो मैंने कहा कि मैं निकलने लगा हूं। अगर ये मुझसे पूछते मसलन 12:30 था तकरीबन टाइम है, ए मैं तू पूछ दे भाई किस ते आ रहे हो, तो मैं इन्होंने दसदा कि मैं साइकिल ते आंदा पिया, 4 बजे मजलस पढ़नी है, 12:30 बजे चनियोटू निकलते पैन किस ते, साइकिल ते। वसीला सुन के ये न समझ जाना ही कि मौलवी साहब आओ ही कोई नहीं। तवज्जो फरमा रहे हैं, क्योंकि वसीला ऐसा होना चाहिए कि जिसका नाम सुन के ये पता चल जाए कि ए जितना टाइम ते सफर है ए वसीला मुनासिब वसीला है। तो जे मैं आखा जी मैं तुर के आऊँ हाँ पैदल आऊँ हाँ, तो उन्हें आखना जी मजलिस आज दी है, हफ्ते बाद दी कोई नहीं। तवज्जो फरमा रहे हैं। तो वसीला वाजे हो गया। वसीला वो चीज़ है, मैंने कहा, मैंने इन्होंने पूछा नहीं, पूछते भी तो मैं गाड़ी पे आ रहा था, तो गाड़ी को अरबी में क्या कहेंगे? सफर का वसीला, मजलिस तक पहुंचने का, चक नौरंग शाह पहुंचने का वसीला। तो तवज्जो फरमाए, अगर मुझे रास्ता ना आता हो, थोड़ा जा पुराना जमाना होवे, हाली तई गूगल मैप्स ना आया होवे, तो मुड़ मैं इन्हों आखना है कि या उत्थू कोई बंदा ना ले सजेनू इत्थू ताई दा राह पता होवे, जेड़ा मैनू राह विखाई सी ओ भी वसीला। तवज्जो फरमा रहे हैं। गड्डी कोल होवे ते राह पता ही कोई ना होवे, तब भी मैं यहां तक। तो जैसे गाड़ी वसीला है, वैसे वो रहनुमा भी वसीला है। अब आप समझे वसीले का माना क्या होता है। हर वो चीज जो आपको आपके मकसद तक पहुंचाने में मददगार है, जितनी अहम है उतना बड़ा वो वसीला है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीन आमनुत्तकुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीला। ए ना भूलिया है, जाना तुसी अल्लाह दे नेड़े है, अल्लाह दे नेड़े होना किवें, इन्हें वसीला तलाश करो। इहदा मतलब है कि ए ना करिया है कि अल्लाह ताला तुहानू सोहणा जिहा वसीला देवे, ओ गड्डी थानू एडी सोहणी लगे कि गड्डी लैके बह जाओ सफर ते जाओ ही कोई ना। तवज्जो फरमा रहे हैं। बड़ी बात आपको पते की बता रहा हूं, तवज्जो से सुने। थानू किसे कंपनी च नौकरी मिले, ओ आखण ए जिहड़ी नौकरी तेनू दित्ती है ना, इहदे च इतने लख तेरी तनख्वाह है, ए गड्डी भी तेनू देंदे पे है, एक गड्डी तेनू देनी है, उस गड्डी नाल तू की करना, साड़ी कंपनी दे दफ्तर हैं कई शहरां दे विच, ते तू इस गड्डी ते फिर टुर के सानू रिपोर्ट देनी है कि उत्थे काम सही हो रहा है या काम सही नहीं हो रहा, ते ए गड्डी थवाड़ी नौकरी दा वसीला है, ठीक है ना, जो आपकी जिम्मेदारी लगी है उस जिम्मेदारी को निभाने का वसीला दिया जा रहा है आपको।
मुड़ कंपनी वाले आखण कि गड्डी तू कोल ही रखी, जे तू अपनी जिम्मेदारी सही तरह अदा की ना तो मुड़ बेशक इतवार वाले दे बेगम नू ऐसे गड्डी ते सैर भी करा लो, बच्चियां नू लेके बेशक मरी वग जा, बेलियां नू भी दोस्तां नू भी सैर करा लवी, लेकिन ये याद रखी कि असल काम गड्डी नाल की करना है। तू तवज्जो फरमा रहे हूँ, गड्डी जिसले ओनू विखाई जावे वो आखे गड्डी एडी सोहनी है, मैं तो घरों कढ़नी कोई नहीं, मैं तो घरों बाहर लैके जानी कोई नहीं, सुबह उठे गड्डी नू वेख के अखी ठड़ियां करे, उत्ते कपड़ा छपड़ा मारे, फिर दोपहरी फिर कपड़ा मारे, फिर कंपनी वाले गड्डी वापस लैनी है या कोई नहीं लैनी, उन्हें आखना है गड्डी तेरे चुम्मन चट्टण वास्ते नहीं, तू तो गड्डी नू इंज बना लिया जिवें मुसलमाना कुरान नू बना ही बदल मुसलमाना नू कुरान अल्लाह दिता ही, इनू पढ़ के तुसा हिदायत लैनी है, इन्हें चुम्मन चट्टण वास्ते समझ आया, तो तू तो गड्डी नू इंज समझ लिया है कि इस नाल काम ना ही करना, इनू चुम्मना है, गड्डी वापस कर। या दूआ बंदा गड्डी लैके आखे कि मैं काम तो होंदे रास्ते मुड़ कंपनियां के काम होंदे रहते रुक थोड़ी जाते, मैं तो अज लैके हफ्ते वास्ते बेगम बच्चों लैके मरी फिरन जाऊंगा। ड्यूटी के दिनों में मरी सैर करने चला जाए, अलबत्ता पाकिस्तान ना हो, चूंकि पाकिस्तान ने जितना मर्जी गांद कर लो गड्डी वापस नहीं लेंदे, ताई तरड़ी निकली पई है ना अज मुड़ 22 रुपये महंगा होया पेट्रोल, मुबारक उन्हें हाली बाकी शहियां बदनियां। एक गल तो कभी गौर किया ने, जरा गौर करया, इस पूरे पाकिस्तान ने जेड़े बंदे तू पुछो ना, या अक्सी मैं आशिक रसूल हाँ, या अक्सी मैं आशिक सहाबा, ते या अक्सी मैं आशिक अहले बैत, ठीक है ना, इतना इस मुल्क भरे पे आशिक रसूल, आशिक सहाबा, आशिक अहले बैत, ये पाकिस्तान बेईमानियां कौन करता, एक सौ अस्सी मुल्कां दे ना आए भाई, केड़े मुल्क च करप्शन थोड़ी है ते केड़े मुल्क च करप्शन ढेर है, यानी जिस मुल्क दा पहले नंबर ते ना है इहदा मतलब है कि सब तू घट करप्शन। साडे मुल्क दा ना पता केड़े नंबर ते, सदके हो जाया है 140 नंबर, यानी एडे काफिर मुल्क भी बेईमान कोई नहीं जेडे असी बेईमान है। तवज्जो फरमा रहे हो, ये पता क्यों है, ये पता क्यों है, क्योंकि अल्लाह आख्या है कि कल मैं थोनू आयत सुनाई आई ना, रहमत तू मायूस ना हो, अल्लाह आख्या गुनाह छड़ दियो वापस आ जाओ तो मैं माफ कर सा, लेकिन साड़ियाँ शियाँ सुनिया बरेलवी देब इन सारे रल के ना मौलवियाँ सानू आख्या गुनाह बख्शावण के तरीके तो इन्ना बड़े दसे, गुनाह छड़न ते जोर नहीं लाया, गुनाह छड़ावण ते जोर कोई ना, गुनाह बख्श एक देग पकाओ अगले पिछले माफ, एक आंदा है देग फलाने दरबार से पका छड़ो हर शे माफ, एक आंदा फलाने रोजे ते देग पकाओ, जेड़े जरा हाई लेवल दे हैं ओ इत्थों लुट के ते मुड़ माह मुबारक रमजान च मस्जिद नबवी जाके इफ्तारियां करेंदे, क्योंकि घपला वड्डा कीता है सिफारिश भी वड्डी चाहिए। और आप
आपको जो अभी कुछ दर्दें हो रही हैं और कुछ दर्दें होनी है आपको महंगाई की, कुछ चमड़ी उतरी हुई है आपकी, कुछ मजीद उतरनी है, थानू केडी कावड़ चढ़े कि जिस बंदे लुटिया होवे पाकिस्तान का खजाना पता भी होवे भी इस लुटिया है तो साढ़े बच्चे भुखे मरे, इस लुटिया है तो असी साढ़े मुल्क महंगाई हुई है तो उन्होंने कोई 8-10 करोड़ रुपया लैके उन्होंने बाकी छाड़ दे, थानू बड़े कावड़ ना चढ़ सी नहीं तो तुझे समझ दो अल्लाह भी एवं ही है। तुम समझते हो रसूल पाक इंजन, तुम समझते हो मौला अली इमाम हसन इमाम हुसैन इंजन के इतने लुटो अल्लाह की मखलूक नू आराम खाओ, लोगों के हक मारो, बहना बिरावा का खा जाओ, गरीबा का खा जाओ, उस तो बाद जाओ तुम ज्यारत से उत्थे एक बकरा ज़िबा कराओ, पैसे थोड़े को उंज ढेर सारे करोड़ा लुटे तुसा, उत्थे 4 बकरे ज़िबा कराओ मौला हुसैन के नाँ दे छो तो मौला हुसैन अक्सी तू सू सारे माफ हो गए। इस वजह से कोई मौला हुसैन के नाते 2 नंबरी लगा होया, कोई जनाब उम्मीद ते, कोई रसूल पाक की उम्मीद ते, कोई गौस पाक की उम्मीद ते, कोई जनाब कलंदर की उम्मीद ते, सारे बेईमाना नू अपनी बेईमानी वास्ते कोई ना कोई चूस नहीं दिती हुई है ना। इतू समझो अल्लाह क्यों आख्या पहले तकवा ते मुड़ वसीला, बगैर तकवे तो तुसी वसीले भी 2 नंबरी वास्ते समझने। बगैर तकवे तू रसूल पाक ना लगया है उधर ना जाना, बगैर तकवे के अली की तरफ ना जाना, बगैर तकवे की तरफ के बगैर तकवे के किसी वली की तरफ भी ना जाना, क्योंकि फिर तुम बेतकवा हो कि ये समझोगे कि ए बेईमाना नु छड़ावण वास्ते अल्लाह रखे हो। पहले तकवा फिर वसीला, बगैर तकवे तू थानु वसीले दी गाल सुनावा, बुढ़ी एक खली आई एक जगह ते वेखी जरी दे कोल ते दुआ पे मंगे या अल्लाह मेरा पुत्र मेरी नूह नू तलाक च देवे मौला हुसैन दे सदके। ए होता बगैर तकवे तू वसीला। मैं जानता हूं इयो जे बंदे मैं बड़े जानता हूं, घरों निकलता पिया है गपला करण दफ्तर च, ढेर सारी कमीशन खानी 2 नंबरी करण वास्ते, सवाणी नूं आंदा है कोई सदका दे छड़ी खैर खरीयत नाल काम हो जावे, भाई मैं फड़िया ना जावा रिश्वत लेंदा कमीशन ले, सदका दे छड़ी। इस तरह का दीन जिनको बताया गया है उन्हीं ने रल मिल के पाकिस्तान की रड़ी निकाली, वरना जितने जश्न इत्थे मनाए जाते हैं इत्थू ढेर बरकत होर कि हो ही नहीं सकती, जितनी फर्श अजा इत्थे विच दिन होर दे कि बरकत होनी ना ही चाहिदी। लेकिन याद रखो मैदान ओहद दे विच अल्लाह दा रसूल भी मौजूद, मौला अली भी मौजूद, जनाब सैयदा भी मौजूद, ए सारियां बाबरकत तरीन हस्तियां मौजूद, लेकिन जे ले उन्हां 50 बंदियां अल्लाह दे रसूल दी गल ना मन्नी इन्हां दी उत्थे मौजूदगी किसे काम ना आई। 72 मुसलमान भी शहीद होया, खुद रसूल पाक भी जख्मी हो गए, जे इन्हां दे ना लवण नाल ते इन्हां दे वजूद नाल सिर्फ बरकत होंदी, गल मनना अहम ना होंदा ते मुड़ बेशक मुसलमान टीला छड़ के आ गए आन, मुड़ भी नुकसान ना ही होना चाहिए। लेकिन आपको पता है जैसे ही मुसलमानों ने अल्लाह के रसूल की बात की नाफरमानी की, उसी मैदान में वो रसूल भी मौजूद था, मौला अली भी मौजूद थे, जनाबे सैयदा भी मौजूद थी, 72 मुसलमान शहीद कर दिए गए, खुद रसूल पाक भी जख्मी हो गए। बस पता चला कि सबसे अहम यह है कि रसूल की इतात की जाए, अगर कोई रसूल की इतात को साइड पे कर दे और उन रसूल दे कसीदे ते जश्न मना के समझे भाई बड़िया बरकता पई होनियां, जे होनियां होनियां ते मैदान ओहद च हो जावणा।
लिहाजा दीन इस्लाम का बुनियादी नुक्ता, दीन का बुनियादी नुक्ता समझ लो। दीन आया ही इसलिए है कि इंसान को इंसान बनाए। आप कहेंगे इंदा की मतलब इंसान नू इंसान बनाए, तो तुसी नहीं आंदे एक बंदे नू कोई काम आखो ना कर ना कर, तो त्री बारी आंदे ओ बंदा बन, ओ बंदा कोई नहीं होंदा। ठीक है, कदी आंदे हो ओए बंदे दा पुत्र बन, पहले कहंदा पुत्र। इसका मतलब ये होता है कि एक तो तैनू अल्लाह बनाया ना बंदा, जेड़ा तेरा अपना इख्तियार है उन्हें नाल भी बंदे आले काम कर। अल्लाह तैनू इंसान बनाया है ते अपने इख्तियार नाल जानवर आले काम ना कर, इंसान आले काम कर। जानवर नू नहीं पता होंदा कित्थू चरना हलाल है ते कित्थू चरना हराम है, तवज्जो फरमा रहे हैं। लेकिन बंदे को पता होता है ऐ खाना हलाल है ते ऐ खाना हराम, इस वास्ते अंदर बंदा बाण जानवर ना बाण, हराम हलाल दी तमीज रख। वापस आ जाए, ऐ ईमान वालों अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और उसके कुर्ब का वसीला तलाश करो। थक तो नहीं गए आप? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस बात क्या बता रहा हूं आपको, वसीला असली मकसद नहीं होता, मकसद वो मंजिल होती है जहां वसीले के जरिए पहुंचना है। तो आयत क्या कह रही है, तुसा पहुंचना किदे, अल्लाह के करीब। इस कुर्ब के लिए तुम्हें वसीला चाहिए, इस कुर्ब के लिए तुम्हें वसीला चाहिए। तो बस अब आपको वसीले का माना बता चुका हूं, दोहराई कर रहा हूं आगे बढ़ने से पहले। वो तमाम चीजें, वो तमाम शख्सियात जो अल्लाह से करीब कर दें अपने अपने दर्जे और अहमियत के मुताबिक वसीला कहलाएंगे। हदीस सुने, फरमाया तुम्हारे बेहतरीन दोस्त वो लोग हैं जिनको जब तुम देखो, जब तुम उनसे मिलो तो उनको देख के तुम्हें अल्लाह याद आ जाए। तो कुछ दोस्त हैं जो उन्होंने वेखिया जो अल्लाह याद ही होवे तो याद नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने काम ही माशाल्लाह एडे सोहने होंगे। बेहतरीन दोस्त कौन है कि जब इंसान उससे मिले तो कौन याद आए, अल्लाह। तो ये दोस्त भी वसीला बन जाएगा। तवज्जो फरमा रहे, हर चीज जो अल्लाह से करीब करे, तो हर वो चीज जो अल्लाह से करीब करे वसीला है। तो अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब करने वाले कौन है, जिनके जरिए ये दीन हम तक पहुंचा है। ओई ना होंदे, दीन ही साढ़े तक ना पहुंचदा तो मुड़ अल्लाह तू कुर्ब किवें हासिल हो गया। तो इस वसीलों की फहरिस्त में सबसे ऊपर कौन है, जिनको हम मोहम्मद व आले मोहम्मद कहते हैं। सलवात पढ़े इनकी ज़वात अक़दसा पर। बस मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाह से कुर्ब का वसीला है। वसीले बहुत हैं, लेकिन जब उनके दर्जात बनाए जाएं तो सबसे ऊपर दर्जा इनका होगा। तवज्जो फरमा रहे हैं। अब
एक मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं, फिर आपको अपने मौला का एक खुतबा भी सुनाऊंगा। नहजुल बलागा जिन्हों पढ़ पढ़ के थके पैन मोमिन, जिमें कुरान पढ़ पढ़ के थके पैन ना, इवें नहजुल बलागा भी पढ़ पढ़ के हूँ आंदन कोई और किताब दसो मौला दी, ए तो अस याद कर ली। मेरी गल समझते पे हो ना? तो उस नहजुल बलागा में एक खुतबा है, गालिबन उसका नंबर 109 है या 108 है। उसमें मेरे मौला ने अल्लाह से कुर्ब के वसीलों का तआरुफ करवाया है। अली तू ढेर चंगा तआरुफ तो कोई नहीं करवा सकता, कोई इन्हें तो ले आओ, तवज्जो फरमा रहे हैं। तो पहले एक मिसाल समझ लें, फिर मैं खुतबे की तरफ जाऊंगा। कुछ आज बता सका तो आज, वरना कल इंशाल्लाह तमाम करूंगा। अगर आपने अपने बच्चे को इम्तिहान में अच्छे नंबर दिलवाना चाहते हो तो आप खुद नहीं कर सकते, आपको वसीले की जरूरत है। तो आप वसीला तलाश करने लगते हैं। जितना थानू बच्चा प्यारा है, जितनी थोड़ी ख्वाहिश शदीद है भी मेरा बच्चा बेहतरीन नंबर लवे, उतने जोर और शोर नाल तुसी उस्ताद नू ढूंढ सो। ते जितने तुसी ढिले हो, थोड़ी ख्वाहिश घट, गुजारा करो, पास होए तो पास, फेल होवे तो होर बंदे नहीं फेल होंदे भी हो जासी, तो तुसी मुड़ वसीला भी उंज ढिले ढिले ढूंढ सोगे। बात समझ रहे? अल्लाह ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, वब तगू इलैहिल वसीला, ये वब तगू का मतलब सिर्फ तलाश करना नहीं है। वब तगू का मतलब है जैसे कोई शिद्दत से किसी चीज को तलाश करता है, ऐसे वसीला तलाश करो। सिर्फ तलाश नहीं है बल्कि शिद्दत से तलाश करो। जैसे वो बंदा कोई चीज तलाश करता है जिसका गुजारा ना हो रहा हो उस चीज के बगैर, जैसे शदीद प्यासा पानी को तलाश कर रहा हो। वब्तगू का मतलब ये होता है सिर्फ तलाश करना, यानी इसका मतलब है अल्लाह चाह रहा है कि ना सिर्फ ये कि वसीला तलाश करो, बल्कि इतना अहम है कि जिस तरह कोई अहम तरीन चीज़ तुम्हें, जिसके बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता, वो तुम्हें ना मिल रही हो तो कैसे तलाश करते हो, इस तरह अल्लाह के कुर्ब के वसीले तलाश करो। तो आपने अपने बच्चे की कामयाबी के लिए एक उस्ताद ढूंढा बेहतरीन। गल बड़े गौर नाल सुनने वाली है, फिर समझ आएगी। आपने पूरे इधर उधर देखा, जनाब आपका करीबी शहर मुल्तान है, आपने मुल्तान में देखा भी चंगे तो चंगा उस्ताद केड़ा है, और जेड़े बच्चों भी उस पढ़ाया उन्होंने नंबर बड़े अच्छे आए, मैनू लभ के दो। आपने इधर ढूंढा उधर ढूंढा, इश्तहार दे दिया अखबार में, आखिरकार आपको जनाब बेहतरीन टीचर मिल गया अपने बच्चे के लिए। अब हम साथ साथ चल रहे हैं, आपको बच्चे की मैट्रिक के लिए बेहतरीन टीचर मिल गया, और अल्लाह ने आपको आखिरत की कामयाबी के लिए बेहतरीन टीचर दे दिए। दोनों मिसालों को साथ साथ रख के चलना है। इधर क्या मिला? ट्यूशन पढ़ाने के लिए, मैट्रिक की तैयारी कराने के लिए। इधर उस्ताद दिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी सिखाने के लिए। ठीक है, और जनाब उस्ताद मिल गया, बच्चा उस्ताद के सामने आके बैठ गया, हम मोहम्मद वाले मोहम्मद के दर पे आके बैठ गए। दो स्टोरियां इकट्ठी चल रही हैं समझाने के लिए। आप बच्चे को उस्ताद ने कहा, बेटा पास होना चाहते हो? बच्चे ने कहा जी उस्ताद जी। तो फिर जो जो मैं कहता जा रहा हूं उसे पल्ले से बांधते जाओ। सुन रहे?
सबसे पहले मैं तुम्हें एक किताब दे रहा हूं कि अगर तुम इस किताब को अच्छी तरह पढ़ लोगे तो बेहतरीन नंबर मेरी जमानत है। तो उसने किताब बच्चे के सामने रखी। इधर से मोहम्मद व आले मोहम्मद ने कुरान हमारे सामने रखा। उस बच्चे आख्या उस्ताद जी थोड़े बड़े फजाइल सुने, तुसी ते थोड़े ते बोर्ड च भी ताल्लुकात हैं, तुसी ते उंज भी कर सकते हो, मैं इत्थों किताब नहीं पढ़ेंदी, तुसी नंबर लवा दियो। मैं इत्थों किताब नहीं पढ़ेंदी, ठीक है, तुसी नंबर लवा दियो, थोड़ी अप्रोच ही बड़ी है। कुछ लोग एवं समझते हैं कि मोहम्मद वाले मोहम्मद की गल मनना जरूरी कोई नहीं, उन्होंने अप्रोच ही बड़ी है, उत्तों ही सफाई करा दे। इसलिए तो पाकिस्तान की रड़ी निकली पड़ी है, क्योंकि एक दीन हो जड़ा अल्लाह गलिया ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पहुंचाया, ते एक दीन हो जड़ा सी अपनी मर्जी नाल डेंटिंग पेंटिंग करके मॉडल बना के रख लिया। दीन वो नतीजा देगा दुनिया में भी आखिरत में भी जो जैसा अल्लाह अल्लाह के रसूल अहले बैत ने बताया है। हमारी मर्जियों का दीन नतीजा नहीं देगा, उस जेड़ा नतीजा देना आई ना वो दित्ती खलाए, नतीजा निकल रहा है ना। ये जो कुछ हमारे साथ हो रहा है अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया है कि तुम पर ये जो मसले आते हैं ना, ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ, ये तुम्हारे अपने हाथों के आगे भेजे हुए कामों के नतीजे। जितने असि इत्थे बैठे हैं, पाकिस्तान नु लुट गए फलाने, ये लुट गए, जिथे मेरा चक पवे मैं भी घाट नहीं करता। जितनी एक मेरी रेंज है। एक बारी किसी दोस्तों की महफिल असी बैठे, पुराने दोस्तों की कॉलेज के जमाने की, तो वह शुरू हो गए पाकिस्तान के सियासतदाना ए फलाना डाकू है, फलाना डाकू है, सही लुट चढ़िया, इन लुट चढ़िया। उन्होंने एक साडा कॉलेज के जमाने का बेली आई, उस एक सियासतदान का नाँ लिया, सारी दुनिया जानती है मेरे नाँ लवन की लड़ कोई नहीं, माशाला पूरी दुनिया से मशहूर है करप्शन, ऐसी शख्सियात हैं पाकिस्तान, तो उनका नाँ लेके उस आखिया लुटिया पाकिस्तान, इंज लुटिया, इंज लुटिया, इंज लुटिया, तो सारिया उनकी तरीफा करके तो उन्होंने गाल कट के तो एंड ते आंदा है। एक आपस की गल दसा थानू, असा क्या दस अखे जे अल्लाह पाक मैं चांस देवे ना तुम इनू भूल जासो। अल्लाह पाक जे मैं चांस देवे ना तुम इनू भूल जासो, सारे मैनू गाल कटसो। मौला का फरमान है, मैं उन्हें छेड़न वास्ते आख्या बई तेरी गल तू मौला याद आ गया। फरमान किया मौला, मौला ने फरमाया दुनिया मुर्दार है। दुनिया क्या है? ऐ जिवें बाहर कोई खोता मोया पिया होवे, ठीक है, इन्हें कोई जानवर मोया पिया विच बो आउंदी पई होंदी है, तो मुर्दार खावण वाले उत्तू ओ लै आउंदे ने गिद्ध, ठीक है ना, ओ जो मुर्दार खाते हैं। तो मौला फरमाते दुनिया मुर्दार है और इसके पीछे दौड़ने वाले कुत्ते। हलाल नहीं हराम, जो हराम दुनिया की चाहत में इतने ज्यादा हैं कि हलाल अल्लाह की मुकर्रर करदा हद से तजावुज करके हराम से दुनिया कटी करते हैं। तो मौला ने फरमाया कि दुनिया मुर्दार है और इसके पीछे दौड़ने वाले कुत्ते हैं। तो कुछ नु अल्लाह खुला छड़े होया, कुछ नु पटा गते होया। तो मैं उन्होंने आखिया तेनू अल्लाह अली पटा गते होया। जे तेरा पटा अल्लाह खोल देंदा तू आप पे आंदा ना, मैं उन्होंने भूल जा मेरा जड़ा खुला वड़दा बता, उस वड़िया पाकिस्तान नु इतना, ठीक है ना, जे अल्लाह तेरी जंजीर भी खोल देंदा, तेरी रेंज भी इतनी आती, तो तू आप पे आंदा कि बंदे उन्होंने भूल जाते तो मैनू गाला कट दे। तो कुछ कुत्ते खुले हुए हैं और कुछ कुत्ते हैं कुत्ते ही, उन्हां दा वस नहीं चलता पटा निकले तो मैं भी वड्डा जिवें दूए वड्डदे पै।
ये मौला अली है। आप सोचो ये मौला अली आएंगे बेईमानों को और छड़ दो मेरा मनन आला, वो आएंगे कहेंगे हराम खोर से कहेंगे तू ना ही सुनिया, मैं ते हराम खोर नू बंदा ही नहीं समझदा। तू जो एडा शायरियां सुनन दा शौकीन आए ते जन्नत दे टिकट दा शौकीन आए, एक बारी अख खोल के मेरी नहजुल बलागा भी पढ़ लेनी आई, तैनू पता ता लगदा शिया ता बड़ा उच्चा होंदा, मैं ते इन्हां नू बंदा ही नहीं समझदा। तवज्जो फरमा रहे हैं, हराम खोर को मौला बंदा ही नहीं समझते, कहते कुत्ते हैं। मिसाल दे के समझाया है, अल्लाह ने मिसालें दी हैं, जिनको हमने तौरात दी उन्होंने तौरात को जैसे लेना चाहिए था ना लिया, गधे हैं। उनकी मिसाल खोते की तरह है, खोते पे कीमती इल्म वाली किताबें लाद दी जाए, खोते नु की पता मेरे उत्ते की लदे होए, उन्हें तो बोझ ही महसूस होना है ना। तो मौला ने भी फरमाया कि दुनिया मुर्दार है और इसके पीछे दौड़ने वाले कुत्ते हैं, कुछ आज़ाद हैं कुछ बंधे हुए हैं, इनका बस नहीं चलता वरना वो भी। तो तवज्जो फरमाए, वब्तगू इलैहिल वसीला, मंजिल क्या है, बार बार कह रहा हूं ताकि आपको भूले ना, मंजिल है कुर्ब इलाही का हुसूल। आज के बाद जो काम करो नियत करो अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है। तो पुठे काम तो मुड़ तो करना ही कोई नहीं, पुठे कमा ना तो कुर्ब इलाही हासिल नहीं होता ना जी। तो कुर्बतन इलल्लाह की जब नियत करोगे, अपने बीवी बच्चे को हलाल लुकमा खिलाना भी इबादत बन जाएगा। ए इबादत सिर्फ नमाज़ रोजे नहीं होंगे, जिसले बंदा अल्लाह दा बंदा बन जावे, यानी उनके वास्ते एक गल वाजे हो जावे कि ए परवरदिगार तेरी नाफरमानी नहीं करनी, बोड़ अल्लाह दा तू मेरे वास्ते नाफरमानी छड़ी है, मैं तेरे ओ काम जिन्हां नू तू दुनिया दे काम समझदा है मैं उन्हां नू भी तेरी इबादत शुमार कर सकता। ये मैं कोई खिताबती नुकता बयान नहीं कर रहा, कुरान और हदीस की बात बता रहा हूँ। ये जड़ा अल्लाह फरमाया ना, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को खल्क नहीं किया मगर सिर्फ एक काम के लिए, वो ये कि मेरी इबादत करें। इनका की मतलब है, हर वेले नमाज़ पढ़ते रहो हर रोज रोजा रखो, ये मतलब नहीं है। मेरे बंदे बन जाए, जिंदगी ऐसी हो जाए कि जो भी इनको देखे इनको देख कर गवाही दे ये किसी और का नहीं अल्लाह का बंदा है। जिमें हूँ माशाला इतने सियासत वाले भी बैठे हुए, ठीक है, इन्हों ढेर समझ आ उसी, जिमें सियासी कंपेन करते पाते ना वोटा तो पहले, तो आते यार इतों वोट मंगने, तो वह आते इतने फायदा कोई नहीं, ये पक्के फलाने के वोटर हैं, इंज साढ़े बारे च बंदे आखन शैतान इदे लगन लगे, तो आखे इदे ना जामी पक्के अल्लाह के वोटर हैं, ठीक है ना। ये भावे खेत काम पे करता है तो भावे शहर नौकरी पे करता है तो भावे जो भी करता पे है, ए वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्न इंस को खल्क नहीं किया मगर ये देखने के लिए कि मेरे बंदे बनते हैं या। तो ये आयत बता रही है, अगर इसका मतलब ये होता ना कि सिर्फ इबादत के लिए खल्क हुआ है और इबादत से मुराद वही इबादतें जो हमारे जहन में है, तो फिर इस्लाम ने क्या कहना था, हर टाइम नमाज पढ़ो होर कोई काम भी नहीं करना, ठीक है। लेकिन इस्लाम ने कितनी नमाजें, पांच, तो फिर बाकी में या अल्लाह बाकी बातें कैसे बनेगी। ऐसे बनेगी कि जब इंसान अल्लाह की नाफरमानी का इरादा जिंदगी के तमाम मामलात में तर्क कर दे और उसकी इताअत का इरादा कर ले, यानी स्कूल ऑफ तकवा में एडमिशन ले ले, फिर वो जो काम भी करेगा चूंकि अल्लाह की बताई हुई हुदूद के अंदर है, अल्लाह उसके हर काम को अपनी इबादत करार दे। शायद मैंने पिछले साल ये हदीस सुनाई हो, क्योंकि ये मजालिस जो है इमाम काजिम अलैहिस्सलाम की शहादत की निस्बत से हैं। कल इंशाअल्लाह मसाइब में भी इमाम के मसाइब का जिक्र करूँगा
और मुमकिन हुआ तो चंद फरामीन भी आपको सुनाऊंगा। शायद ये फरमान मैंने पिछले साल आपको सुनाया हो, ये भी इसी बात की एक दलील है जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब कोई बंदा, ज़रा गौर से सुनना, लेकिन ये वही है कि जो बीच में फिर बेईमानी ना करते हो, ईमानदारी से चलते हो, जब कोई बंदा अपने घर से निकलता है रिज़्क़ के हलाल ढूंढने का इरादा करके, रिज़्क़ के हलाल के लिए मेहनत करेगा और अपने बीवी बच्चों के घर के मुंह में लुकमा हलाल रखेगा, तो जितनी देर वो इस हालत में रहता है वो ऐसा ही होता है जैसे हाथ में तलवार लेकर अल्लाह की राह में जहाद करने वाला मुजाहिद। इससे ऊंचा रुतबा क्या होगा? तो जो भी बैठे हैं इंशाल्लाह सारे के सारे जो अपने रिस्क के हलाल के लिए कोई ना कोई काम करते हैं, अपने आप को मामूली ना समझा करो। इमाम फरमा रहे हैं ऐसे है जैसे अल्लाह की राह में तलवार लेकर जिहाद करने वाला। क्यों? क्योंकि कदम कदम पे शैतान कहता है इत्थे हराम थोपी कर लो, इत्थे बेच हराम मिला लो, तनख्वाह ते इतनी मिलनी है, ऐ फ्या बेच अड़ा लो, ते ढेर हो जा सड़िए कर लो। तो वो कितना बड़ा मुजाहिद है, ऐदू शैतान हमला करे वो पिछा हटा देवे, ऐदू शैतान हमला करे पिछा हटा देवे, अगू पिछू शैतान नू नेड़े आवण ही ना देवे, तो मुजाहिद है या मुजाहिद नहीं है? शैतान का हमला तो बड़ा खतरनाक होता है, तवज्जो फरमा रहे हैं। तो जो शैतान के हर हमले को जो उसे हराम खाने की तरफ लेके आ रहा है पीछे हटा देता है कि मैंने नहीं, मेरे अल्लाह ने मुझ पे हलाल सिर्फ मेरे लिए रखा है, मैं हराम नहीं करूँगा, इसको इमाम ने फरमाया मुजाहिद। और लिहाजा इसी को शरीयत ने जहाद अकबर कहा है। पता आपको, अपने अंदर के शैतान से लड़ना ये तलवार लेकर दुश्मन के लड़ने से बड़ा लकब दिया गया इसको, इसको कहा गया है जहाद अकबर। ताई तो सारे अक्सर बंदे इस दुश्मन के अगे लम्बे पहरन थे, वो मुख मार मार के हराम खवा खवा के हराम करा करा के, ठीक है ना, असल पहलवान वो है कि जो इस दुश्मन को पीछे हटा दे, शिकस्त दे दे, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। या अय्युहल्लज़ीन आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ए ईमान वालो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और अल्लाह के कुर्ब के लिए वसीला तलाश करो। तो मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के कुर्ब, अल्लाह से करीब करने के लिए जो चीज़ जितना ज़्यादा किरदार अदा करे वो उतना बड़ा वसीला है, और इस फॉर्मूले पर अगर आप अमल करें और फहरिस्त बनाना शुरू करें तो कोई वसीला मोहम्मद व आले मोहम्मद के बराबर नहीं हो सकता। मोहम्मद मुस्तफ़ा वो हस्ती हैं कि जिनके ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको वसीला करार दिया अपना दीन, अपना कुरान इंसानों तक पहुंचाने के लिए। और फिर उनकी पाक आल ने इस दीन की हिफाजत के लिए वो कुर्बानियां दी कि कायनात में जिनकी मिसाल नहीं मिलती। तो अब दीन इस्लाम जुड़ गया अहले बैत से, बात को समझिएगा, हकीकी दीन इस्लाम जुड़ गया अहले बैत से और अहले बैत अतहार की एक हस्ती जिसका नाम इमाम हुसैन है, एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दे गए कि जिसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के नबी का लाया हुआ दीन हुसैन के नाम से जुड़ गया। और शायद यही वजह थी कि अल्लाह के नबी ने यह फरमाया
हुसैन मुझ से है और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन मुझ से है ये तो सबको पता है, वो नाना है, उनकी बेटी जनाब सैयदा है, जनाब सैयदा के फर्जंद इमाम हुसैन है, हुसैन रसूलुल्लाह से है, ये तो बात बड़ी वाज़े है। लेकिन फरमाया मैं हुसैन से हूँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये मेरा हुसैन गोया एक ऐसा काम करेगा कि फिर इसके उस काम के बाद मेरा लाया हुआ दीन वही होगा जो हुसैन से मंसूब है। फिर दूसरा अगर कोई दीन का किसी दूसरे का नाम लेता है, हुसैन के अलावा इस्लाम की कोई शक्ल पेश करता है, तो फिर याद रखो मेरा दीन वही होगा जो मेरे हुसैन ने बयान फरमाया। बस हर अज़ादार को ये समझना चाहिए, हर मुहिब अहले बैत को ये बात समझनी चाहिए कि ये जो करबला के ज़िक्र को ज़िंदा रखने का हुक्म दिया गया है, ये जो इन मसाइब के ज़िक्र का हुक्म दिया गया है, इसका बुनियादी सबब क्या था? इसका बुनियादी सबब यही था कि जब लोग ये वाकयात सुनेंगे तो खुद ब खुद उस हस्ती की तरफ भी तवज्जो हो जाएगी। जब उस हस्ती की तरफ तवज्जो होगी तो फिर वो ये भी सवाल करेंगे कि हुसैन पर ये जुल्म क्यों किया गया, हुसैन क्या चाहता था, हुसैन क्या चाहते थे कि इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी लेकिन इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्या ख्वाहिश थी हुसैन के दिल में, क्या लगन थी हुसैन के दिल में, क्या तड़प थी जिसने हुसैन से मदीना छुड़वा दिया। हालांकि मदीना में कौन कौन थे? इमाम हुसैन के जद की कब्र मदीना में, इमाम हुसैन की मज़लूमा माँ की कब्र मदीना में, इमाम हुसैन के भाई हसन मुज्तबा की कब्र मदीना में। इस दीन के दर्द ने मदीना छुड़वाया, जैसे रसूलुल्लाह से इसी दीन के दर्द ने मक्का छुड़वा दिया। यही वजह थी, आपकी खिदमत में अर्ज करूं, यही हिकमत थी कि करबला का वारिस, दो वारिस हैं ना बड़े, एक वारिस का नाम बीबी ज़ैनब कुबरा है और दूसरे करबला के वारिस का नाम सैयद सज्जाद है। आप सैयद सज्जाद की जिंदगी को देखें करबला के बाद, मदीने वाले मेरे मौला सज्जाद के सामने कोई ऐसी बात, कोई ऐसा काम करने से परहेज करते थे कि जिस काम की या जिस बात की वजह से मेरे मौला को करबला याद आ जाए। आप उलमा से सुनते होंगे कि मेरे मौला सज्जाद जब किसी को देखते थे ना, किसी कसाब को कि वो जानवर को ज़िबा करने लगा है, तो मेरे मौला की आंखों में आंसू आ जाते, मंजर करबला याद आ जाता। रिवायात बताती हैं कि मदीने के कसाब कोशिश करते थे कि जिस रास्ते से सैयद सज्जाद ने गुजरना हो उस रास्ते पर जानवर भी ज़िबा ना कर। और एक वो जालिम थे जिन्होंने बहन के सामने भाई को ज़िबा कर दिया। अल्लाह आपको अजर अता फरमाए। तो मेरे मौला सज्जाद, रिवायत कहती है, एक दिन जा रहे थे किसी काम के लिए तो निगाह पड़ी एक कसाब ने एक जानवर को पकड़ा हुआ है और उसको ज़िबा करने की तैयारी कर रहा है। मेरे मौला सज्जाद ने रास्ता बदला और उस कसाब के पास चले गए और जाकर उससे सवाल किया कि ऐ कसाब, मुझे लगता है तू इस जानवर की कुर्बानी का इरादा रखता है, इसे ज़िबा करने का इरादा रखता है, बस ज़िबा करने से पहले इसको पानी ज़रूर पिला दे। इसको प्यासा ज़िबा ना करना। मेरे मौला की ये बात सुनी तो कसाब ने कहा, मौला
हम आपके जद का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम मुसलमान हैं, शरीयत इस्लाम ने जो आदाब बताए हैं वो आदाब हमने सीख रखे हैं। शरीयत इस्लाम कहती है कभी किसी हैवान को प्यासा ज़िबा ना करो। शरीयत इस्लाम कहती है किसी एक हैवान को उस जैसे दूसरे हैवान के सामने भी ज़िबा ना करो। अज़ादारों जब ये बात सुनी ना तो मेरे मौला ने एक दफ़ा रोते हुए करबला का रुख किया, फरमाया अस्सलामु अलैका या अबता, आप पर सलाम हो मेरे मज़लूम बाबा हुसैन। ये शख्स कह रहा है कि आपकी जद की शरीयत में किसी हैवान को प्यासा ज़िबा करना नापसंदीदा है, एक हैवान को उस जैसे दूसरे हैवान के सामने ज़िबा करना नापसंदीदा है, आपकी मज़लूमियत पर मेरा सलाम। आपके जद का कलमा पढ़ने वालों ने आपको इस हाल में ज़िबा किया कि आप खुदा जाने कब से प्यासे थे, और आपको जब ज़िबा किया तो आपकी बहन चंद कदम के फासले से पुश्ते गर्दन पर खंजर की ज़र्बे लगते देख रही थी। यही वजह थी ना कि सैयद सज्जाद कभी करबला को भूल ना सके। एक शख्स ने मौला से सवाल किया कि मौला इतना अरसा गुजर गया करबला के वाके को, लेकिन आप ऐसे रोते हैं जैसे कल करबला हुई हो, आपका गम पुराना क्यों नहीं होता? तो मेरे मौला ने फरमाया है सवाल करने वाले, तूने अल्लाह की किताब पढ़ी है, उसमें सूरह यूसुफ तूने पढ़ी है, एक अल्लाह का नबी था जिसका नाम याकूब था, उसका एक बेटा था जिसका नाम यूसुफ, वो फकत उसकी नजरों से दूर हुआ था, अभी इसी दुनिया में मौजूद था, तो याकूब ने इतना गिरिया किया कि आंखों की बीनाई चली गई। तू मुझे कहता है मैं गिरिया क्यों करता हूं? वो एक यूसुफ को इतना रोते थे और मेरे तो कई यूसुफ मेरी नजरों के सामने करबला में ज़िबा कर दिए गए, मैं इस तरह गिरिया न करूं तो फिर और क्या करूं? अला लअनतुल्लाह अलल कौम अज़्ज़ालिमीन वसयअलमुल लदीन ज़लमू अय्यमुन क़लबिन यनक़लिब। माता में हो साइन।